हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के मिश्री अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीओ मिश्रा। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी पर। कभी कभी यार बिना मुझे देखे भी पढ़ लिया करो, महसूस करके, जैसे आप उनको महसूस करते ना, अरे गुरु जी एकदम वैसे ही नहीं। कैसे आप सब? एंड हैप्पी टीचर्स डे ऑल स्टूडेंट। एंड मतलब बढ़िया यार, एकदम जाइए लड्डू वड्डू तोड़िए और मुझे भी खिलाइए यार। आज टीचर्स डे है, मतलब अब कुछ भी है, मतलब अकेला गैर पार्टी, सर को नहीं खिलाएंगे, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे कोई बात नहीं, दो टॉपिक यानी दो लड्डू खिलाऊंगा। क्या क्या करेजा खिलाऊंगा? अरे गुरुदेव आर्टिकल खिलाने वाले हैं, और क्या खिलाने वाले सर? लेटर खिलाने वाले हैं यार। एक्चुअली पता है यार, मैं ना एक छोटा सा प्यारा सा चीज बनवा रहा हूँ, मतलब अपनी बड़ी वाली ऑफिस। और वहाँ पे यार मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाता है तो देन मतलब काम करने के लिए तो होने चाहिए ना वर्कर्स। देन यार वहाँ पे सारी चीज़ें लगवा रहे हैं, हैं मतलब घर ही बनवा रहे हैं यार, ऑफिस वो भी तगड़ी वाली। तो वहाँ पे थोड़ा आ जाया था, तो मैंने सोचा यार आपको ऐसे ही पढ़ा देते अपने लैपटॉप से ही, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज करिएगा यार, थोड़ा सा यार करना चाहिए बीच बीच में यार, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना। एंड यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, कर लो यार प्लीज़, कर जा कर लो यार, आई हम्बल रिक्वेस्ट यूर, मतलब सब कुछ करूँगा तभी करेंगे, कर लो। आज मैं आपको यहाँ पे दो टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्या सेक्शन बी का, वो सर क्या राइटिंग। राइटिंग में सर दो आता है, देखिए 10+10, बोले तो गुरुजी आपका 10 नंबर का लेटर, 10 नंबर का आर्टिकल, ये दो आएगा। हम यहाँ पे क्या देखने वाले सर? यहाँ पे हम देखने वाले हैं आर्टिकल, पहले आर्टिकल देखेंगे फिर लेटर, यानी कि 20 नंबर आपका इस वीडियो से बिल्कुल पक्का होने वाला है। तो सर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये 20 नंबर चाहिए तो ये वीडियो आप देखिए और आए हुए प्रश्न को तैयार कर लीजिए। देखिएगा पेपर में आएगा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 से 150 शब्दों में लिखने के लिए आएगा। अच्छी चीज यहाँ पे है ऐसे, ऐसे मतलब क्या होता है? निबंध। अच्छा गुरु जी निबंध और आर्टिकल में अंतर क्या है? थोड़ा ध्यान देना यार, एकदम मेजर डिफरेंट है। आर्टिकल में क्या होता है? जो 100% सही होता है, अगर भाई साहब गधे के चार पैर होते तो होते हैं, उसमें हम पांचवा नहीं ऐड कर देंगे। तो क्या है आर्टिकल? मतलब कि जो सही है वही लिखना है। ऐसे में अपने से बना दीजिए, काश गधे के पास 10 पैर होते तो और अच्छे से वो सामान को ढो पाता, तो वो क्या है आपका? ऐसे है, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे देखिए तीन है आपका आर्टिकल आया लिखने के लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, डॉरी सिस्टम, योर विजन इन लाइफ। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डॉरी सिस्टम, मतलब गुरुदेव दहेज प्रथा। अभी आपकी जब शादी होगी ना तो दहेज आप मांगेंगे, हाँ, लेकिन लड़कियां देना मत, दहेज देना ही मत, बता देना दुल्हन ही दहेज है। अब पहली बात शादी करने कोई जरूरत नहीं है, हाँ पता लगा कुछ है नहीं, 10 रुपए जेब में शादी कर लिए, पता लगा शादी हो गई, फिर वो आने के बाद ला ला लाते घूचा चालू हो गया। अब भाई मार तो खाओगे ना, पैसा तो है नहीं, शादी करके लेते हैं बेचारी को, हाँ तो ऐसा नहीं करने का, मजाक कर रहे, सीरियस मत लेना दिल पे कि गुरुजी यार आप बवाल करवा दिए। भाई हम क्यों बवाल करवाएंगे, हाँ हम तो सर समझा रहे हैं ना, हाँ ज्ञान देना तो काम है। चलिए तो यहाँ पे देखने डॉरी सिस्टम दहेज प्रथा पर आर्टिकल, तो 100 से 150 आएगा, अगर आपको और ऐड करना है तो ऐड कर लीजिएगा, कोई बात नहीं उतने में काम हो जाएगा। डॉरी सिस्टम दहेज प्रथा क्या लिखेंगे इसमें? द डॉरी सिस्टम इज ए प्रॉब्लम वेयर ड्यूरिंग वेडिंग द ब्राइड्स फैमिली गिव मनी और गिफ्ट टू ग्रूम्स फैमिली। मतलब जो दहेज प्रथा एक ऐसी समस्या है जिसमें शादी के दौरान जो ब्राइड फैमिली यानी कि जो दुल्हन की फैमिली होती है वो दूल्हे के फैमिली को क्या देती है? कुछ गिफ्ट्स मनी यानी पैसे देती है या गिफ्ट देती है, किसके? ग्रूम्स फैमिली मतलब दूल्हे के फैमिली को। दिस कस्टम्स ऑल दोस फाउंडेड अपॉन स्टिल हैपन इन सम प्लेस, इट कैन क्रिएट फाइनेंशियल इशू फॉर द ब्राइड्स फैमिली। और जब भैया पैसा देगा कौन? लड़की वाला, तो जाहिर सी बात है लड़की के फैमिली में फाइनेंशियल इशू तो होगा ना, एंड इवन लीड टू हार्म फॉर द ब्राइड। लॉज अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस एग्जिस्ट, मतलब ये कहीं ना कहीं नियम के विरुद्ध कार्य कर रही है, लेकिन बट इट कॉन्टिन्यू ड्यू टू कल्चर बिलीव्स, लेकिन कुछ बिलीव्स मतलब कि जो हमारे अंदर है कि हाँ ये कल्चर्स में पैसे देने चाहिए, इसीलिए अभी एग्जिस्ट भी कर रही है। द डॉरी सिस्टम रेनफोर्सेस द आइडिया
दैट मैन आर मोर इम्पॉर्टेंट देन वुमेन। यार जो डॉरी सिस्टम है ये एक ऐसा रेनफोर्स क्रिएट कर रहा है आइडिया विचार का, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो लड़का है लड़की से ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंस है, बट ऐसा है नहीं, क्या लड़की नहीं इंपॉर्टेंट है यार। टू स्टॉप दिस, इसे हमें बंद करना होगा। वी नीड नॉट ओनली लॉज बट ऑल्सो ए चेंज इन हाउ सोसाइटी थिंग्स, ठीक है ना। वी शुड ट्रीट बॉय एंड गर्ल्स इक्वली, फोकस ऑन एजुकेशन एंड चैलेंज ओल्ड फैशन्ड आइडियाज सो दैट एवरीवन कैन हैव ए फेयर एंड इक्वल फ्यूचर। यानी कि हमें बराबर बराबर सबको देना है इज्जत, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। क्लियर है करे जा, कोई दिक्कत नहीं गुरुदेव भाई, चाप दो यार कमेंट। और आज टीचर्स डे यार, प्यार भर देना है आपको कमेंट में, कुछ भी हो जाए। तीसरा देखिएगा, राइटिंग में सर दो टॉपिक आते हैं, एक आर्टिकल एक लेटर, तो मैंने यहाँ पे राइटिंग वाला सेक्शन में आपको करवा रहा हूँ, ठीक ना। तीसरा देखिए यहाँ पे क्या है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली सर्विंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, या फिर ये दे देगा वाटर टैक्स पर, या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर भी देता है कभी कभी, वो किस पर देता है करे जा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर भी देता है, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक ना, मार पर जान हो जाओ गुरु जी इस पे दे दिया। अथवा में देगा कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर ए फ्री स्टूडेंटशिप टू अनेबल यू टू स्टडी फर्दर, या फिर आप लिखिए अपने प्रिंसिपल को अपने कॉलेज के लिए जो आपका फीस है उसके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलिए, डियर प्रिंसिपल, अरे आप लोग लिखते होंगे भैया जी जी आई सी यूपी, अरे नहीं गुरुदेव हमारा तो गोरखनाथ नाम है कॉलेज का, भैया जो नाम है लिख दीजिएगा, अरे नहीं गुरुदेव सर्योदय शिक्षा सदन नाम है भैया लिख दीजिएगा, इमेजिन करके जो भी नाम रहेगा आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। गुरुदेव रमेश शांति जी नाम है, मतलब ऐसा नाम होता है बहुत सारा, तो आप लिख से देंगे कोई दिक्कत नहीं। फिर सब्जेक्ट यहाँ पे लेंगे, अच्छा सब्जेक्ट में क्या लिखा जाता है पता है, जिस पर आप लेटर करे जा लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं वाटर टैक्स पर लेटर लिख रहा हूँ, किस पर लिख रहे हैं वाटर टैक्स पर, हाँ तो हम वाटर टैक्स पर, अगर हम लोग यहाँ पे हाँ कॉलेज की जो फीस है उसकी स्टूडेंटशिप के लिए लिख रहे हैं, तो इसके लिए लिखो जो भी लिखना चाहते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर फ्री स्टूडेंटशिप, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आई होप दिस लेटर फाइंड यू वेल, आई एम फेसिंग फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट दैट जियोपर्डाइज माय एबिलिटी टू कंटिन्यू माय स्टडी, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू कंसिडरेशन फॉर ए फ्री स्टूडेंटशिप गिवेन माय कमिटमेंट टू एकेडमिक एंड अचीव इन्वॉल्वमेंट इन कॉलेज एक्टिविटीज, आई एश्योर यू ऑफ माय कंटिन्यूड डेडिकेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू द कॉलेज कम्युनिटी, योर सपोर्ट will make a significant impact on my education। फिर आप क्या करेंगे करे जा, आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे लिख देना है thank you for your time and consideration, फिर यहाँ पे sincerely यहाँ पे x y z ना है गुरुदेव हमारा नाम है राजू, हम लिख देंगे अरे गुरुदेव हमारा तो नाम प्रीति ही है, अरे भैया लिख देंगे, तो ऐसा आपको नहीं करने का करो जा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करने का, आपको ये प्रीति राजू सब कुछ नहीं लिखने का, केवल आपको एक्स वाई जेड ही आपको यहाँ पे नाम लिखना है। तो यहाँ पे रहा करे जा दो टॉपिक, कौन 20 नंबर का है एकदम चौचक वाला 20 नंबर, पहला है आपका लेटर स्क्रीन शॉट कर लो करना है, तो नहीं तो इसका मैं PDF टेलीग्राम पर भिजवा देंगा, ये एंड ये एक क्या सर आपका आर्टिकल, ठीक है ना, 150 से 150 शब्द में बोला है, तो 100 से 150 शब्द में आप लिख दीजिएगा, ये पूरा पूरा आपका क्या है आपका आर्टिकल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं आपको सेक्शन बी करे जा क्या आपका राइटिंग है, क्या राइटिंग मैंने आपको बताया जो कि इंपॉर्टेंट है यार, 20 नंबर का बिल्कुल पक्का कर लीजिए, एंड आज टीचर्स डे है, बढ़िया जाइए लड्डू अड्डू खाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ एक अपना नोट्स बना लीजिए, उसमें आप लोग राइट करते चले जाइए, ठीक है ना। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके दोस्तों थैंक यू जैन, टेक केयर, बाय बाय।